हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेमी पटियाला सलवार काटना बताऊंगी। ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है, एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे कपड़े पर कैसे सलवार कट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह, ऐसे ही जैसे ये हो रहा है। हम ऐसे इसको फोर फोल्ड करके इस तरह से इसको बिछा लेंगे लंबाई में। और हमारी जितनी सलवार की लंबाई है, हमारी सलवार की लंबाई है 37 इंच। 37 इंच में हम 4+ कर देंगे तो ये बैठ जाएगा 41 इंच। 41 इंच में से हम 8 इंच की बेल्ट माइनस कर देंगे तो ये बैठ जाएगा हमारा 33 इंच। तो हमें ये 33 इंच लेनी है, क्योंकि मैंने इसमें ही पौचों का ले लिया है। 2 इंच के मुझे पौचे बनाने हैं, तो 2 इंच मैंने पौचों के लिए ले लिया इसी में से एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया था। और 4 इंच मैंने ऊपर नेफे के लिए ले लिया है, इसलिए अब हम इसको लेंगे 33 इंच। 33 इंच मेजर करके और हम इस पर निशान लगा देंगे। पहले हम यहाँ से इसको इक्वल कर लेंगे, यहाँ से देखिए मैंने निशान लगा लिया है यहाँ से, और यहाँ यहाँ तक मैंने 33 इंच की इसकी लेंथ ले ली है और वहाँ से इसको ऐसे मिला दिया है। फिर 33 इंच का मैंने हाफ कर लिया है, 16.5 ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैंने पहुँचे ले लिए हैं इसके, और इसको यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया है ऐसे। ये देखिए इस हिसाब से मैंने इसको यहाँ से यहाँ तिरछा मिला दिया है। अब मैं इसकी यहाँ से ऐसे ही इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखिए इस हिसाब से मैंने इसको कट कर दिया है ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब देख, ये वो कपड़ा है जो हमने इसमें से काटा है सलवार में से। तो सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट ले लेते हैं, अपनी बेल्ट निकाल लेंगे इसमें से। ऐसे 8 इंच हम बेल्ट की चौड़ लंबाई लेंगे यहाँ से 8 इंच, और हमारे हिप है ये इस, और इसकी चौड़ाई लेंगे हम 25 इंच। बेल्ट की चौड़ाई ले लेंगे हम 25 इंच यहाँ से यहाँ, और 8 इंच हम यहाँ से लेंगे। इसको ऐसे मिला देंगे सीधा ऐसे, और यहाँ से इसको कट कर देंगे बेल्ट को। अब हमारा जो ये है जो हमने यहाँ से काटा था, और ये हमने जिस कपड़े में से हमने अपनी बेल्ट निकाली है, इस कपड़े को हम फोर फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ पे रख देंगे अपने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे, और यहाँ से हम अपना आसन ले लेंगे ऐसे रख के यहाँ से अपना आसन ले लेंगे हम ऐसे। 9 इंच हमने आसन ले लिया है, और जो ये हमारा जो हमने ये हाफ किया था यहाँ से 16.5 इंच, 16.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे ऐसे, और इस 16.5 को हम अपने आसन से यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, तिरछा मिला देंगे ऐसे, तिरछा मिला देंगे। ये हमारी छोटी कलियाँ हो जाएंगी, ये हमारे उसमें जॉइंट हो जाएंगी, जिससे हमारे इसका घेरा भी बढ़ जाएगा। ये सेमी पटियाला सलवार हमारी रेडी हो जाएगी। मैं इस यहाँ से देखिए, ये हमारी छोटी कलियाँ हैं, ये हमारी यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे जॉइंट हो जाएंगी ऐसे। और देखिए हमारी सलवार का भी घेरा काफ़ी हो गया है। हम यहाँ से इन चारों कलियों को अपने चारों उसमें जॉइंट कर देंगे, और फिर इसमें हम अपनी बेल्ट लगा के पहुँचे बना देंगे। अब हम इसकी मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि कैसे की जाती है इसकी स्टिचिंग। देखिए ये इसकी कलियाँ हैं ये वाली, अब हम इनको जॉइंट करेंगे कलियों को यहाँ पे
देखिए ये रहा हमारा हिस्सा, कली जोड़ेंगी जहाँ हमारी, हम ऐसे इनको जॉइंट कर देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब मैं इनको जॉइंट करती हूँ, चार कलियाँ हैं हमारी, चारों कलियों को मैं इनको जॉइंट करती हूँ। हमें सीधा उल्टा साइड देख लेना है और फिर हम कलियों को इनको जॉइंट कर देंगे ऐसे, यहाँ पे रख के। देखिए मैंने अपनी सारी कलियां जोड़ ली हैं, अब हम इसका आसन जॉइंट कर लेंगे। एक साइड से हम इसका आसन जॉइंट कर लेंगे ऐसे, सीधा सीधा मिला के ऐसे, और हम यहाँ से इसका आसन जॉइंट कर देंगे। ये हमारी बेल्ट है, इसके टू पीस हैं ये बेल्ट के हमारी के। एक साइड से हम अपनी बेल्ट जॉइंट कर लेंगे ऐसे, ये देखिए मैंने अपनी बेल्ट जॉइंट कर ली है। अब हम इसमें अपनी सलवार इसमें लगाएंगे, ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारी चुन्नटें आएंगी हमारी सलवार की, यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे, 8 इंच पे इधर और 8 इंच पे इधर, यहाँ पे एक कट मार देंगे हम ऐसे। और ये हमारी बेल्ट का सेंटर है, जहाँ से हमने अपनी बेल्ट को टच किया है ये हमारी बेल्ट का सेंटर है। इसको ऐसे रखेंगे और अपना जो हमने जो आसन जोड़ा है हमने अपनी सलवार का, उस आसन पे 2 चुन्नट लेंगे हम पीछे, एक इधर साइड और एक इधर साइड ऐसे, ये ऐसे रहेंगी दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और हम इसको इसके बेल्ट के सेंटर में यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, और जहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक इसको सिल देंगे। ये देखिए यहाँ तक हम इसको सीधा सिल देंगे, और जो ये 8 इंच का जो हमारा बचा है इसकी प्लेट्स इतने की जो ये हमारा है इसकी प्लेट्स भरेंगे हम इसमें इस बचे हुए की, और इधर भी जो बचा हुआ है दूसरी साइड भी उसकी प्लेट्स हम उसमें भरेंगे। अब मैं इसको सीधा सिलती हूँ ऐसे, देखिए देखिए मैंने जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ तक अपनी सीधी वो लगा दिए। अभी हमारा 8 इंच बचा है ये कपड़ा, अब हम इसमें जो ये हमारा कपड़ा है पूरा ये बचा हुआ जो हमारा कपड़ा है इसकी हम फ्रंट में पूरे में चुन्नट डाल देंगे। ये देखिए ये चुन्नट हम डालेंगे अपने अपोजिट, ये चुन्नट हमें इस तरफ मोड़नी है ऐसे, ये बड़ी बड़ी चुन्नट आएंगी पटियाला सलवार के जैसी, जैसे पटियाला में बड़ी बड़ी आती हैं, ये हमारी सेमी पटियाला सलवार है ऐसे, हम इसमें ऐसे हम इसमें चुन्नट डाल देंगे। ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है और ज़्यादा छोटी भी नहीं लेनी है, मीडियम सी हम चुन्नट डालेंगे इसमें। अगर आप ज़्यादा बड़ी लेंगे तो ये कम रह जाएगा कपड़ा ऐसे, मीडियम मीडियम हम सारे में चुन्नट डाल देंगे। ये देखिए एक साइड की मैंने चुन्नट डाल दिए, इसी तरह मैं दूसरी साइड की ये वाली डाल दूँगी। यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं इनको ऐसे, और जैसे मैंने वो वाली डाली है दूसरे हिस्से की ऐसे ही इसकी डाल दूँगी ऐसे। देखिए उधर की साइड मैंने
अपने से अपोजिट डाली थी, अब मैं इसको अपनी साइड टर्न करूँगी, इनको ऐसे इसको अपनी साइड टर्न करूँगी मैं ऐसे ऐसे, ना ही तो हमें ज़्यादा बड़ी डालनी है प्लेट, ना ही ज़्यादा छोटी डालनी है ऐसे ऐसे डालेंगे, इन्हें हम अपनी साइड टर्न करेंगे इस तरह। ऐसे देखिए ऐसे उठाया थोड़ा सा और उसे हम ऐसे नीचे घुसा देंगे इसको, और नीचे से हमारी जो प्लेट्स की जो प्लेट्स का डिस्टेंस है वो इक्वल इक्वल रहना चाहिए। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे पूरे में। मैंने ये दोनों साइड्स की प्लेट्स डालनी है, देखिए यहाँ से भी डाल ली है मैंने और यहाँ की भी वाली प्लेट्स डालनी है, दोनों डाल दिए मैंने। अब मैं इस पर एक टॉप सीम लगाऊंगी, इसको जो हमारा ये मार्जिन है, ये कपड़ा है जो हमारा एक्स्ट्रा, इसको हम बेल्ट की साइड कर देंगे इस तरह से ऊपर, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पूरे पे हम एक सिलाई लगा देंगे। पूरे पे हम सिलाई लगा देंगे इस पे, देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है, कंप्लीट कर ली है। अब हम इन दोनों को जॉइंट कर देंगे, यहाँ से इस जॉइंट को इस जॉइंट से मिला देंगे यहाँ पे ऐसे, और इसका आसन पूरा हम जोड़ देंगे, ये आसन यहाँ से जॉइंट कर देंगे, और ऊपर से हम इसका नेफा बनाएंगे जिसमें से हम अपना नाड़ा डालते हैं। देखिए नेफा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसने वहाँ से सिल लिया है, अब हम यहाँ तक इसे थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देंगे और हम इसको बैक टैक कर लेंगे ऐसे। मैंने यहाँ से बैक टैक कर लिया है और यहाँ से मैं इसको निकाल दूंगी ऐसे, यहाँ से इसको निकाल दूंगी, और मैं फिर अब यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा सिलूंगी आधा इंच के करीब, यहाँ से ऊपर से आधा इंच के करीब ऊपर से सिलूंगी, और फिर इसको मैं बैक टैक कर दूंगी ऐसे, और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से, इसको ऐसे फोल्ड करके और हम इसको ऐसे खोल देंगे, ऐसे खोल के इसको यहाँ से, और हम इसमें जैसे हम अपनी चाक बनाते हैं उस हिसाब से इसमें सिलाई लगा देंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे इसमें हम ऐसे सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ, इसको भी ऐसा सीधा करके यहाँ से, यहाँ पे ऐसे सिलाई आ जाएगी हमारी, और इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए ये ऐसे हो गया है, अब हम इसको यहाँ पे टर्न कर देंगे, यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे इसको, और फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे टर्न कर देंगे, इसमें से हमारा नाड़ा डल जाएगा और हम इस नेफे को ऐसे मोड़ देंगे, अब पूरे को ऐसे ऐसे करके ऐसे हम पूरे को मोड़ देंगे। देखो नेफा भी मोड़ दिया हमने इसका, अब हम इसके पोंचे बनाएंगे। देखिए ये हमारे पोंचे हैं, नीचे से पोंचों के लिए मैंने एक्स्ट्रा इसी में कपड़ा ले लिया था, पोंचों के लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया था कपड़ा, तो मैं इसको ऐसे रखूँगी यहाँ पे, ऐसे रख के ऐसे यहाँ पे इसको टर्न करके, और मैं ऐसे इसको यहाँ पे ही टर्न कर दूँगी इसको ऐसे ही, और इसमें सीधी सिलाई मैं लगा दूँगी। पोंचों में आप जैसी भी डिज़ाइन बनाना चाहें ऐसी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, मैं इनको इन पोंचों को सिंपल बनाऊँगी बिल्कुल, और आप सिलाई लगा देंगे ऐसे।
पूरे में इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, मेरी सलवार कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए ये देखिए मैंने इसकी पूरी की फिटिंग कर दिया। ये देखिए इसकी फिटिंग हो गई है, सलवार सिल के रेडी है। इस पूरे कपड़े में एम्ब्रॉयडरी है, ये सेमी पटियाला सलवार है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।